तो सबसे पहले मैं फिर हम बता दूं कि यहाँ पे जो है ना एक एमसीबी एक फॉल्ट है, ठीक है, एमसीबी में नहीं मतलब रूम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये जो एंड गटर ना हमने दुकान पे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीबी बॉक्स है ना, एमसीबी बॉक्स ऐसे अगर लगाते हो तो अब जो एमसीबी आप देख सकते हो बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारे अदर एमसीबी आते हैं जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा बाहर में। ये जो मॉडलर में आप जाएगा डबल डोर में, ठीक है, आपको 300 से 400 रुपये के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मॉडल के एमसीबी बॉक्स है, जिसमें 7 एमसीबी जो है एकदम मौज कर रहा है और 1 एमसीबी जो है गिर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड 7 एमसीबी जो है सही से काम कर रहा है और 1 एमसीबी गिर चुका है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड इस रूम का जो है एमसीबी गिरा हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ का जो मीटर है, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में एक होल्डर लगा हुआ है और बीच में एक फैन बॉक्स है और एक लाइट का पॉइंट है, ठीक है। तो दीवार में भी एक पॉइंट है और हमने एग्जॉस्ट भी दिया था। ये सब तो हो गया, चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 मॉडल का बोर्ड, जिसमें आपको 2 सॉकेट, 3 स्विच और 4 डमी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड हो गया 12 मॉडल का पूरा बोर्ड कंप्लीट। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे मैंने इस होल्डर को देखा, ठीक है, यहाँ पे एक इस होल्डर को देखा तो यहाँ पे मेरे कुछ जो है ना फॉल्ट दिख रहा था, ठीक है। तो ये जो लाइट लगाए रहते हैं ना बल्ब 10 वाला, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं जो फूट चुका था। फूटने के बाद फिर इन लोग जो है ना एक मतलब निकालने की कोशिश किया था, ठीक है। और तो वो जो है ना एकदम ना मतलब चिपक गया था उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कलई कलई का जो मतलब कवर होता है ना वो वाला, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, वो वाला ना एकदम चिपक चुका था और चिपकने के कारण जो है ना एकदम शॉर्ट हो चुका था, ठीक है। तो शॉर्ट होगा तो भाई ऐसे में तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, एमसीबी गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब लग रहा है कि साला मगरमच्छ के मुंह में हाथी मतलब हाथी घुस गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसको निकालते हैं, बहुत मशक्कत के बाद फिर यहाँ पे जो है ना हमारा जो होल्डर निकल पाया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो है ना एकदम आप देख सकते हैं कि इसका हालत कैसे बना के रखा है। और यहाँ पे फ्रेंड हमारे सामने जो फॉल्ट आया था वो तो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं एमसीबी की तरफ। उससे पहले जो हम इस बोर्ड को है चेक कर लेते हैं कि इसमें लाइन नहीं आ रही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी बटन चालू है और लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे एमसीबी की तरफ, ठीक है। तो एमसीबी को जो है फ्रेंड एकदम से आसानी से चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारा लकड़ी है, इसमें मैंने ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ता है, अगर गिर जाएगा ना तो मेरा हाथ पैर भी टूट जाएगा। तो इस यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं एमसीबी लास्ट वाला जो है गिरा हुआ था, ठीक है। तो इसको जो है हम एक बार चढ़ा के दिखाएंगे, मतलब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके चढ़ाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं एकदम आसानी से चढ़ चुका है और अभी जो है ट्रिप भी नहीं किया, ठीक है। तो फ्रेंड हमें एक फॉल्ट मिला था वो भी हमने सही कर ली। तो चलते हैं रूम की तरफ। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड हम चालू करके देखते हैं, तो ऐसे चालू करते हैं तो हमारा जो है एमसीबी ट्रिप करता था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो एमसीबी है अभी ट्रिप नहीं किया है। उसके बाद फिर हम पर एक बार ऐसे ही चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे जो है ना पूरा एकदम सही तरीके से लाइन आ चुका है। उसके बाद फिर फ्रेंड हमने जो इसका ढक्कन वगैरह निकाला था ना उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं बता दूँ कि ये जो हमारा है ना एक ही फॉल्ट था यहाँ पर और वो भी कम्प्लीट हो चुका है। और जैसे अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ में लाइक भी कर देना।